हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो व्हाइट फूड बाइंडर है हम उसे किस तरीके से टेबल पर सेट करें। तो काफ़ी आसान है इसे सेट करना। इसमें एक ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पे सेट नहीं होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दूं कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसे सेट करने में। कई बार क्या होता है, जो हमारे आगे का इसका साथ तार आया हुआ होता है उसको सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है कि इसमें धागा किधर से डालना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारी मशीन के अंदर कट दिया है उसके अंदर हम क्लिप को अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हमें मशीन ज़रूर चेक कर लेनी है कि वो हिल तो नहीं रही है। अगर नहीं हिल रही है तो हमें फिर जो हमारी मशीन के साथ कैप आई है वो अच्छे से टाइट कर लेनी है। ये थोड़ी टाइट लगती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब भी आप इसे लगाएं तो थोड़ा जो इसके पीछे का ये पार्ट है इस पर थोड़ा हाथ लगा के जब हमारे जो कैप है इसके ऊपर कसे, क्योंकि बहुत नाजुक सी है वैसे तो, पर आपको अच्छे गोले बनाकर देगी। बस थोड़ा आपको यही ध्यान रखना होगा, जब इसे टाइट करें तो ज़्यादा पावर के साथ कैप को पुश ना करें और थोड़ा हाथ से अच्छे से टाइट कर दें। तो अभी हमारा दोनों चीज़ अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि तार कहाँ पर लगेगा। तो जो हमारी मशीन के अंदर वाइट पार्ट पर जो वो कट दिया है इसमें ये हमें अच्छे से लॉक कर देना है तार। तो तार हमें इसी तरीके से लॉक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा धागा है वो किस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और किस तरीके से इस पर हमारे गोले बनेंगे। और काफ़ी फैंसी से गोले इस पर बनते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और जब आपके पास सोप है तो आपको इस वूल बाइंडर की ज़रूर नीड है, क्योंकि काफ़ी अच्छे गोले बनते हैं तो कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट होके इसको ख़रीदना चाहता है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि इस पर किस तरह के गोले बनेंगे। तो आप जल्दी से गोला कंप्लीट करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा गोला इस पर बना है। तो एक बार मैं आपको धागा डालना ही बता दूँ। धागा डालने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो सबसे पहले हमें इस नीचे वाले हिस्से से धागा निकाल कर इसमें डालना है ऊपर वाले में, और फिर हमारे वूल बाइंडर के अंदर जो कट है कैप में उसके ऊपर इसको टाइट कर लेना है और गोले बनाते रहना है। अगर हम डायरेक्ट इस ऊपर वाले से भी धागा डालेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब भी आप इसे चलाएं तो हाथ से थोड़ा सा धागे को टाइट पकड़ ले, जिससे कि काफ़ी अच्छे गोले बनेंगे। तो यहाँ पर जितना मुझे गोला बनाना है मैं उसको बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इससे किस तरह का गोला बनाएं।
तो यहाँ पर मेरा जो ये गोला है कंप्लीट होने वाला है। मैंने ब्लैक वुल वाइंडर में भी आपको दिखाया था, वो काफ़ी अच्छे गोले बने थे उस पर भी, पर इस पर थोड़ा डिजाइन अलग से आता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप इस तरह के गोले बनाना चाहते हैं और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू।